और आपके चैनल को मोनेटाइज कर दिया जाता है। अब आपका चैनल हो गया मोनेटाइज। मोनेटाइज का मतलब यह है कि आप अब पैसा तो कमा सकते हैं। इसके बाद एक और वेरिफिकेशन होता है, वो समझाता हूं। उससे पहले आपको यूएस टैक्स का फॉर्म भी सबमिट करना पड़ेगा। अब ये यूएस टैक्स क्या है? तो दोस्तों, यदि आप एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं अभी, और आपको ये लगता है कि यार क्या क्या करना पड़ेगा, और हम चैनल तो कैसे स्टार्ट कर देंगे, बैंक में पैसा कैसे आएगा, तो यार चैनल बनाने से लेकर आपकी बैंक खाते में पैसा आने तक का पूरा जो प्रोसेस है, उसकी समरी आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है, ताकि आपको ये मालूम हो सके कि जब हम चैनल बनाते हैं और हमारी बैंक में पैसा आता है, उसके बीच में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं हमारे चैनल पे। तो कंप्लीट देखेगा वीडियो, बहुत नॉलेज मिलने वाली है आपको। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे टिप्स आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बैट ऑल इट। दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं कि भाई चैनल बनाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि चैनल बनाने से पहले भी बहुत सारे काम करने चाहिए। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप है, वो स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको चैनल बनाना किस टॉपिक पर है, यानी आपका निश सेलेक्ट करना होता है कि यार मैं किस निश पे काम करूंगा। मैं क्या ट्रैवल गाइड बनूंगा, क्या मैं एजुकेट करूंगा लोगों को, या मैं फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, स्टॉक मार्केट की टिप्स दूंगा, यूट्यूब टिप्स दूंगा, व्लॉग करूंगा, जो भी है रेसिपी बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये निश सेलेक्ट करना होता है। इस निश को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या होता है, अपना एक लोगो डिजाइन करना पड़ता है। लोगो डिजाइन करने के बाद आपको एक अपना बैनर भी डिजाइन करना पड़ता है। ये दोनों डिजाइन करने के बाद आप इजीली एक ईमेल आईडी बना लीजिए गूगल की, यानी कि जीमेल की। और जीमेल की अगर आपके पास पहले से है तो आप उससे भी चैनल क्रिएट कर सकते हैं, वरना आप एक नई बना लीजिए। इसके बाद आपको एक फोन नंबर चाहिए होता है, जिससे हम चैनल को वेरीफाई कराएंगे। इतना सब कुछ होने के बाद आपको अपना एक डिस्क्रिप्शन लिखना है चैनल का, जिस बारे में आपने चैनल बनाया है कि भाई मेरे चैनल पे आप ये कंटेंट आपको मिलेगा, मेरा नाम ये, जो भी आप उसके अबाउट में लिखना चाहें। ये सारा कंटेंट, जो सारा मटेरियल आपके पास रेडी हो जाए, तो आप 5 मिनट में चैनल बना सकते हैं। बहुत ईजी है, मोबाइल से ही बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो ऊपर आई बटन में मैं वीडियो दे दूंगा, जाके देख लेना, 5 मिनट में आप चैनल क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन जब आप चैनल क्रिएट करेंगे तो ये सारी चीजें आपको लगेंगी जो मैंने अभी तक बताई है। अब यहाँ पे आपका चैनल हो गया क्रिएट। चैनल क्रिएट होने के बाद आपको करनी है वीडियोज अपलोड, तो वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट की, वीडियो अपलोड करोगे तो वीडियो लोग देखेंगे, और वीडियो जब लोग देखते हैं तो उन पर आते हैं व्यूज, और जब व्यूज आते हैं तो आपके चैनल पर दो चीजें बढ़ती है। जैसे लोग जब आपकी वीडियो देख रहे होते हैं तो क्या करते हैं लोग, या तो आपकी वीडियो पे कमेंट करते हैं, या तो आपकी वीडियो को लाइक करते हैं। इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा फर्क जब पड़ता है जब लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, और आपके चैनल पर जब व्यूज आते हैं उस पर एक वॉच आवर होता है, वो भी काउंट होता रहता है, होता रहता है। तो यहाँ पे YouTube ये कहता है कि लास्ट 365 डेज के अंदर अगर आप अपने चैनल पर जो आपने वीडियोस अपलोड किए उनके माध्यम से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का पब्लिक वॉच आवर कंप्लीट कर लेते हैं, और आपके चैनल पर कोई भी किसी भी तरह का कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होता है, और 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होता है आपके चैनल पर, और आपका चैनल आप वेरीफाई भी कर लेना फोन नंबर से, ताकि आप थंबनेल लगा सको अपनी वीडियोस पर। इतना सब कुछ होने के बाद आप अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए भेज देते हैं। जब आपका चैनल मोनेटाइज में जाता है तो YouTube चेक करता है आपके वीडियोस को कि आपकी वीडियो सही है, एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली है, और YouTube की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसके तहत बनी हुई है या नहीं। अगर उनके तहत बनी हुई है तो वो आपको एक मेल भेजेगा और आपके चैनल को मोनेटाइज कर दिया जाता है। अब आपका चैनल हो गया मोनेटाइज। मोनेटाइज का मतलब यह है कि आप अब पैसा तो कमा सकते हैं, यानी आपकी जो वीडियो है उन पर जो ऐड आ रहे हैं अब उनका रेवेन्यू शेयर आपको मिलेगा, क्योंकि ऐड तो मोनेटाइज नहीं है तब भी आते हैं। लेकिन जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता और आपके द्वारा अपलोड की गई वीडियो पर ऐड आता है, उसका पैसा YouTube रख लेता है सारा का सारा। लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद जो एड रेवेन्यू होता है उसका 55% आपको देता है और 45% खुद रखता है। लेकिन अब ये पैसा मिलता कैसे है वो समझा देता हूँ। देखिए, होता ये कि जब आप उस चैनल को मोनेटाइज करते हैं तब आपको एक एडसेंस क्रिएट करना पड़ता है। एडसेंस क्रिएट करना अगर आपको नहीं आता तो भी आई बटन में दे दूंगा, जाके वीडियो देख लेना, जिससे आप एडसेंस क्रिएट करने के बाद ही मोनेटाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अब क्या होगा, एडसेंस में आपका जो भी रेवेन्यू बनेगा वो काउंट होता जाएगा, होता जाएगा। काउंट होने के बाद अब एडसेंस का पूरा सिस्टम मैं आपको समझा देता हूं। एडसेंस पे क्या होगा, एक वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, आपके पास या तो वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, या फिर होना चाहिए पैन कार्ड, या फिर आप पासपोर्ट यूज कर सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं। आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए मान्य नहीं है। आपको ऑनलाइन ही एडसेंस के अंदर ऑप्शन आएगा,
और आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट करके अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं, जो जिस नाम से आपने एडसेंस बनाया है उस नाम से आपका आईडी कार्ड है या नहीं, बस गूगल एडसेंस यही देखता है। आपका एक बार वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद एक और वेरिफिकेशन होता है, वो समझाता हूं। उससे पहले आपको यूएस टैक्स का फॉर्म भी सबमिट करना पड़ेगा। अब ये यूएस टैक्स क्या है, अभी तो हमने पैसा भी नहीं कमाया, तो सीधी सी बात है कि यूएस में मान लो आपका जो वीडियो है वो कभी यूएस में देखा जाए, मान लो 100 व्यूज आए आपकी वीडियो पे और 3 व्यूज यूएस से आए, तो जितने व्यूज यूएस से आए यूएस उस पर कुछ टैक्स लेता है। तो यहाँ पे नियम ये है कि आपको यूएस टैक्स का फॉर्म भरना ही पड़ेगा। अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप जितना भी पैसा कमाते हैं उसका 30% YouTube काट लेगा एक्स्ट्रा, और अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो सिर्फ जितने व्यूज यूएस से आए हैं उतने ही व्यूज का 15% रखता है। तो हमें यूएस टैक्स का फॉर्म भी भर लेना चाहिए। वो फॉर्म कैसे भरते हैं उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपने यूएस टैक्स वगैरह का फॉर्म भर दिया, आपने आईडी वेरीफाई कर ली, अब यहाँ पे एक और वेरिफिकेशन होता है, वो होता है आपका एड्रेस वेरिफिकेशन। अब एड्रेस वेरिफिकेशन जो करने का तरीका है वो एडसेंस का थोड़ा सा अलग है, उसको भी समझाता हूं। देखिए, आप जो भी पैसा कमाते हैं वो पैसा आपके एडसेंस में काउंट होता चला जाएगा। जब आपके एडसेंस पे $10 होम पेज पे दिखने लग जाए, ये दिखते कब है मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए अभी महीना चल रहा है, सपोज कोई सा भी, मान लो 13 तारीख चल रही है, तो यहां पे पैसा कैसे ऐड होता है वो आप समझिए। जैसे मान लो सपोज कि अभी फिलहाल सितंबर चल रहा है, मान लीजिए आप सितंबर चल रहा है, तो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आपकी वीडियो पे जितना भी एड रेवेन्यू आया वो सारा रेवेन्यू सितंबर के महीने में आपके एडसेंस पे अपडेट होगा। 7 से लेके 11 तारीख तक के बीच में कभी भी ये अपडेट हो जाता है। अब ये हर महीने अपडेट होता है और अपडेट होने के बाद आपके गूगल के जो एडसेंस होते हैं उसके होम पेज पे दिखाता है। ये जब $10 कंप्लीट होके अपडेट हो जाता है, मतलब मिनिमम 10 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, तो यहाँ पे $10 जैसे ही कंप्लीट होके आपके होम पेज पे दिखा देगा तो यूट्यूब क्या करेगा, आपने जो एड्रेस एडसेंस में भरा है उस एड्रेस पर एक एनवलप भेजेगा, यानी एक लिफाफा भेजेगा। उसके अंदर कुछ गुप्त कोड होते हैं, जैसे ATM का पिन होता है ऐसे कुछ गुप्त कोड होते हैं। वो आपको जैसे ही लिफाफा मिले आप लिफाफे को ओपन करिए और जो गुप्त कोड है उसको एडसेंस पे जाके फिल कर दीजिए। उसको जैसे ही आप जाके फिल करेंगे आपका एडसेंस का जो एड्रेस है वो भी वेरीफाई हो जाएगा। यानी समझे, एडसेंस यहाँ पे दो तरीके से वेरीफाई करता है, आईडी से तो आपका नेम वेरीफाई करता है और एड्रेस आपके घर पे लिफाफा भेज के करता है। तो अब आपका एड्रेस हो गया वेरीफाई और आपका नाम भी वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे सीन ये है कि आपके जब एडसेंस में $100 अपडेट हो जाएंगे, ध्यान रखिए एडसेंस की बात कर रहा हूं, यूट्यूब पे डेली अपडेट होता है और एडसेंस में मैंने बताया हर महीने 7 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में लास्ट मंथ का अपडेट होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। कई बार हमें क्या लगता है, YT स्टूडियो में लगता है अरे हमारे तो $110 कंप्लीट हो गए, पेमेंट नहीं आया। नहीं दोस्त, ये पेमेंट अगले महीने जब आपके एडसेंस पे अपडेट होगा तब बात करेंगे। और एडसेंस पे जब $100 से ज्यादा अपडेट हो जाते हैं, $100 से ज्यादा आपके बन जाते हैं, तो YouTube आपकी पेमेंट भेज देता है। अब भेजता कहाँ है ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो देखिए, जब भी आपको गुप्त कोड मिलता है आप वो गुप्त कोड जाके अपने एडसेंस में डालते हैं। वहां पे आपको बैंक जोड़ने का एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप जो बैंक है उसको कैसे लिंक कर सकते हैं अपने एडसेंस से। बैंक लिंक करने के भी कई तरीके हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको एक ऐसा बैंक में खाता खुलवाना है जिसमें स्विफ्ट कोड की सर्विस हो। यानी वैसे तो सारी बैंक लगभग आपको स्विफ्ट कोड दे देती है, बट कुछ बैंक नहीं भी देती है। तो जब भी आप अकाउंट ओपन कराए यूट्यूब पेमेंट के लिए तो आपके पास बैंक का स्विफ्ट कोड होना जरूरी है, जो आप बैंक के ब्रांच में से पूछ सकते हैं। वो स्विफ्ट कोड होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। इसके बाद IFSC कोड होना चाहिए और आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये आप भर देंगे एडसेंस के अंदर तो उसी बैंक में ही अब आपको पैसा मिलेगा। अगर आपको बैंक ऐड करना भी नहीं आता तो उसका वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा, जितने भी वीडियो यूजफुल होंगे वो सारे के सारे मैं डिस्क्रिप्शन में देने के लिंक कोशिश करूंगा। सारे के सारे लिंक पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं कि बैंक को हम कैसे ऐड करते हैं। तो वो बैंक आप उस तरीके से उसी वक्त ऐड कर चुके होंगे। उसके बाद वो जो पैसा है वो आएगा कब, मैं आपको बताता हूं। आपको लगेगा यार 10-11 तारीख हो गई और मेरा पैसा भी $100 अपडेट हो गया, अब ये पैसा तो मेरे को मिल ही नहीं रहा। तो देखिए, YouTube क्या करता है, हर महीने की 21 तारीख को आपका पेमेंट सेंड करता है, 21 तारीख को पेमेंट सेंड करता है अगर वो $100 से ज्यादा है तो, और लास्ट मंथ का ही करता है। वो पेमेंट अब आपकी बैंक में आता है, उससे पहले आता है फोरेक्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो डॉलर के रूप में होता है। फोरेक्स डिपार्टमेंट में आता है, जहां आपने स्विफ्ट कोड दिया उस फोरेक्स डिपार्टमेंट की शाखा में आ जाएगा। वो क्या करेंगे, उस डॉलर को INR में कन्वर्ट करके आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर देंगे। और इसमें करीब 1 वीक का टाइम लग जाता है, यानी कि 21 तारीख को भेजा तो ये मान लीजिए 30 तारीख तक आपका पेमेंट आ जाएगा।
और इस तरीके से ही YouTube का जो पेमेंट है वो एवरी मंथ मिलता रहता है अगर आप $100 कर लेते हैं तो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया कि मान लीजिए इस महीने आपके $70 हुए तो क्या होगा। तो मान लीजिए इस महीने आपके $70 कंप्लीट हुए और वो अपडेट हो जाएंगे, अगले महीने लेट से आपके $20 और भी कंप्लीट हो गए तो वो भी ऐड हो जाएंगे, तो टोटल $90 हो गए। अब तीसरे महीने मान लीजिए आपके $15 और हो गए तो वो भी ऐड हो जाएंगे, तो तीसरे महीने टोटल आपका अमाउंट बनेगा $105। अब $105 तो $16 से ज्यादा है, तो चौथे महीने में जब अपडेट होंगे तो एक टोटल $105 अपडेट होंगे तो वो $100 से ज्यादा होंगे, तब आपका पेमेंट आएगा। यानी कुल मिला के जिस मंथ आप $100 से कम कमाते हैं वो पैसा अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और अपडेट होता रहता है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम जो पेमेंट आती है वो $100 की ही आती है। तो ये पूरा का पूरा तरीका होता है यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर आपकी बैंक में पैसा आने तक। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी यूजफुल वीडियो आपको देखनी है जिनकी बातें मैंने इस वीडियो में करी है उनके सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, ऐसे कॉन्टेंट आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।